और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, एस्ट्रोलॉजी विजुअल जनतंत्र टीवी पर और किसी पर नहीं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून के थानो एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे धस गया। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून का थाना एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे धस गया है। निर्माणाधीन एयरपोर्ट मार्ग पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही धस गया। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्माणाधीन एयरपोर्ट मार्ग पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही धस गया। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि 4 साल से यह पुल बनाया जा रहा था और निर्माणाधीन था। एयरपोर्ट मार्ग पर ये जो पुल बना है वो उद्घाटन से पहले ही धस गया। आपको बता दें 4 साल से ये पुल बनाया जा रहा था, कुछ ही दिनों में इस पुल का उद्घाटन होना था लेकिन उद्घाटन होने से पहले ये धस गया। निर्माणाधीन एयरपोर्ट मार्ग पर बना पुल धस गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीते 4 साल से ये पुल बनाया जा रहा था, उसका कुछ ही दिनों में उद्घाटन होना था लेकिन उससे पहले ही वो धस गया। साफ तौर पर जो मानक होते हैं जिससे बनाया जाता है उस पर सवाल खड़े होते हैं कि जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था वो पुल धस गया। एयरपोर्ट मार्ग पर ये पुल बन रहा था, 4 सालों से ये पुल बनाया जा रहा था और वो धस गया, कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन होना था। और हमारे संवाददाता बलदेव चंद भट्ट इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बलदेव, क्या जानकारी मिल पा रही है? जैसा कि आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में पिछले समय में कई बार यहां पर हो चुकी हैं और इस तरीके से जो कुछ ही दिनों में पुलों का उद्घाटन होना होता है और उससे थोड़ी सी पहले पुल गिरने की घटना या पुल टूटने की घटना पिछले समय में भी यहाँ सामने आई हुई है। जी बलदेव, क्या कारण बताया जा रहा था, किस कारण से ये पुल धस गया? जैसा कि आपको बता दूं कि घटिया बताया जा रहा है कि घटिया सामग्री इसमें इस्तेमाल हुई है, इस वजह से पुल ध्वस्त हुआ है। जी बलदेव, क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन अभी अपनी ओर से लीपापोती कर रहा है। उनका कहना है कि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इसमें जो गड़बड़ी आई है इस वजह से पुल धसा है, बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। मगर हमें लगता नहीं कि पुल जो प्रशासन कह रहा है वो इसमें पूरा मामला है, मामला कुछ और नजर आ रहा है। जी बलदेव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव चंद भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ तो जुड़े थे देहरादून से, जो बता रहे थे कि अक्सर ऐसा होता रहा है कि जो पुल बनते हैं वो धस जाते हैं क्योंकि उनमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो ठीक नहीं होता है। यही कारण रहता है कि जिसकी वजह से ये पुल बनते बनते ही टूट जाते हैं। जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीते 4 साल से ये पुल बन रहा था और वो धस गया है अंदर। इसका उद्घाटन होना था कुछ ही दिनों में, उद्घाटन से पहले ही ये धस गया। ये इसकी तरह और भी कई पुल हैं जो इसी तरीके से धस चुके हैं लेकिन प्रशासन एकदम लापरवाही दिखाता है। जो मानक होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं जिनको यूज किया जाना चाहिए वो खरे नहीं होते, जिसके कारण से ये चीजें सामने आती हैं। आप बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धसे हुए पुल की। आप देख सकते हैं निर्माणाधीन एयरपोर्ट मार्ग पर यह पुल बना है, 4 साल से ये पुल बनाया जा रहा है। 4 साल काफी लंबा वक्त होता है, 4 साल से ये पुल बनाया जा रहा है और कुछ ही समय में उसका उद्घाटन करना था लेकिन वो नहीं हो पाया, उससे पहले ही ये पुल धस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस पुल का उद्घाटन होना था लेकिन उससे पहले ही ये धस गया। निर्माणाधीन एयरपोर्ट मार्ग पर ये पुल बनाया जा रहा था, जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कुछ ही दिनों में इस पुल का उद्घाटन होना था आपको बता दें कि लेकिन ये धस गया। देहरादून के थानवे एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे धस गया। साफ तौर पर यहां पर लापरवाही दिखाई देती है प्रशासन की। इतना लंबा वक्त, 4 साल लंबा वक्त लगा इस पुल को बनाने के लिए लेकिन अब वो फिर से
धस गया और उसको फिर से अब बनाने के लिए ही जुगत लगानी पड़ेगी। आपको बता दें कि कुछ समय बाद उद्घाटन होना था लेकिन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको दोबारा से मरम्मत करने की बात की जा रही है। लेकिन फिर वही सवाल कि जो मटेरियल इसमें यूज किया जाएगा, जिन मानकों के साथ इस पर काम किया जाना चाहिए, वो आगे भी इस्तेमाल होंगे या नहीं, क्योंकि इस तरीके के कई मामले सामने आते रहे हैं। जनतंत्र टीवी पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन एयरपोर्ट मार्ग पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही धस गया। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में इस पुल का उद्घाटन होना था, 4 साल से यह पुल बन रहा था। देहरादून के थानो एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे पर यह पुल था जो धस गया।